हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शौर्य और बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है शौर्य कंप्यूटर्स। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी तीन चीज बताने वाला हूँ जो 99% लोग करते हैं अपने लैपटॉप के साथ और जो बाद में आके कर देती है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं आज आप इन वीडियोज में जानने वाले हैं, तो वीडियो से जुड़े रहिए और चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो गाइस देखिए ऐसी तीन प्रॉब्लम क्या हैं जिन्हें लोग कॉमनली करते हैं अपने लैपटॉप के साथ और जो आज मैं आपने इस वीडियो को टाइटल को देख के समझ ही लिया होगा, मैं आज बताने वाला हूँ चार्जिंग के ऊपर। तो ये चार्जिंग की तीन ऐसी प्रॉब्लम है जिन्हें लोग करते हैं और जिनकी वजह से उनकी बैटरी खराब होती है और उनके चार्जर में प्रॉब्लम आती है और उनमें प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि पैसा खर्च होता है, इसलिए आप ऐसे गलती मत कीजिएगा। तो यहाँ पर आज वो तीन मिस्टेक आपको नहीं करनी है जो लोग चार्जिंग कनेक्ट करते समय अपने लैपटॉप के साथ करते हैं, तो आज आप इस वीडियो में वो चीज सीखने वाले हैं। बट हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक फोर्थ ट्रिक, मतलब एक फोर्थ ऑप्शन एक बताने वाला हूं जिसे करने के बाद आप अपने लैपटॉप को वरदान दे सकते हैं कि भाई अब तुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी चार्जिंग से रिलेटेड। तो मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूं कि आपको सही तरीका क्या है चार्जिंग प्लग इन करने का, कि हाँ भाई अगर चार्जिंग कनेक्ट करें तो किस तरीके से चार्जिंग आपको कनेक्ट करनी है अपने लैपटॉप के साथ। भाई अगर आपका नया लैपटॉप है तो प्लीज उसके साथ बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है बाद में। तो यहाँ पर सबसे पहली गलती है जो लोग ये करते हैं, चलो भाई लैपटॉप जल्दी चार्ज करना है, अरे जल्दी ऑन हो भाई, चल जल्दी जा रहा लगाता हूँ। ओ कहाँ गया, ये रहा, घुस जल्दी अंदर, लग जा। अबे लगना लगता क्यों नहीं। तो गाइस देखिए, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ये गलती बहुत ज्यादा डेंजरस होती है क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका जो चार्जर होता है वो जैसे ही कनेक्ट होता है पावर से तो उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है जो उसका मेन पॉइंट होता है। देन जैसे ही आप उसे प्लग इन करते हैं अपने मतलब लैपटॉप के अंदर, तो जो पावर है वो एकदम सीरीज से ना जाकर एकदम झटके से जाती है जिसकी वजह से जो उसकी आईसी होती है उन पर काफी ज्यादा लोड पड़ता है। तो इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये वाली गलती आपको नहीं करनी है। और यहाँ पर सेकेंड मिस्टेक है ये, स्विच तो चल ऑन है ही, क्या दिक्कत है, प्लग कनेक्ट है बट लेकिन यार ये फुल चार्ज है नहीं। जी हाँ दोस्तों, देखिए अगर आपका लैपटॉप फुल चार्ज हो चुका है और आपने फिर भी उसे चार्जिंग से कनेक्ट कर रखा है तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है क्योंकि आपके देखिए स्मार्टफोन जो होते हैं, स्मार्टफोन जो आते हैं उनके अंदर ये फीचर होता है कि चार्जिंग होने के बाद वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होते, वो पहली वाली प्रॉब्लम चलेगी जिससे फट जाते हैं। बट लेकिन लैपटॉप्स के अंदर अभी भी ये प्रॉब्लम है और इसको आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपका लैपटॉप 100% चार्ज हो चुका है तो आपको अगेन उसे चार्जिंग पे नहीं लगा के रखना है क्योंकि अगर आप इस तरह की चार्जिंग पे लगा के रखते हैं इसकी वजह से क्या होता है कि जब आपकी आईसी को एक पावर मिलनी थी, लिमिटेड पावर मिलनी थी और वो मिल चुकी है बट फिर भी उसे दोनों तरफ से अब लोड आएगा, एक तो बैटरी की तरफ का और दूसरी तरफ से जो आप डायरेक्ट इसमें कनेक्शन दे रहे हैं उसका लोड। तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, आपको इस तरह के दोनों तरफ चार्जिंग पर लगा के नहीं रखना है। हाँ अगर आपका 90% हो चुका है या फिर हाईएस्ट 50% डाउन हो चुका है तो आप कुछ देर के लगा सकते हैं बट लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है 50% तक कि आपकी बैटरी लो हो चुकी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक है जिसे लोग करते हैं वो है ये, अबे निकल निकल जल्दी निकल, अबे जल्दी निकल मेरे को जाना है, चल भाई बंद कर अबे बाहर में जा। जी हाँ दोस्तों, ये मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है, इस मिस्टेक की वजह से 90% लोगों के जो चार्जर हैं वो डैमेज हो जाते हैं और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपको कभी भी इस तरीके से इसको नहीं खींचना है, मैं आपको बताऊं, आपको देखिए अगर आप चार्जिंग पॉइंट से निकाल रहे हैं तो आपको दोनों तरफ से ध्यान रखना है कि इस तरीके से आपको इन्हें प्लग आउट करना है। प्लग इन करना भी बहुत आसान है, प्लग इन आप इजीली करें लेकिन प्लग आउट करने के लिए इस तरीके झटके से ना खींचे, इस वजह से आपके जो वायर है उनके बाद बीच में स्ट्रेच आता है और जो वायर है वो डैमेज जाता है, आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अपनी फोर्थ ट्रिक की ओर, जो फोर्थ ट्रिक मैंने आपको बताई थी बोनस ट्रिक, इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको सही तरीका क्या है जो आप अपने लैपटॉप को चार्ज करेंगे। तो देखिए सही तरीका आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो में कि आपको जब भी चार्जिंग करनी है तो सबसे पहले अपने जो चार्जिंग पॉइंट है उसे लैपटॉप से कनेक्ट करना है। देन लैपटॉप से कनेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको जो पावर, जो आपका पावर बोर्ड है जहां भी है आपको उससे कनेक्ट करना है। देन जब ये दोनों चीज कनेक्ट हो जाए तब आपको सप्लाई ऑन करनी है। और देखिए ये एकदम सबसे परफेक्ट तरीका है आपके लैपटॉप में एक तमीज में चार्जिंग जाने के लिए, वरना आपके लैपटॉप की धज्जियां उड़ सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये थी आज की वीडियो गाइस, गाइस बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगर आपको ये वीडियो नॉलेजफुल लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए, एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जो भी आपके भाई लैपटॉप यूज करते हैं क्योंकि उनके बहुत काम आएगी वीडियो। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।